अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। मांगी हुई चीज लौटानी पड़ती है सर, मैं कमाना चाहता हूं। मुझे अपनी मंजिल साफ नजर आती है और मेरे रास्ते में कोई नहीं है। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े,
अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों, यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों, इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों, वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों, यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों, खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिबेली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी
मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं, और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है, और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें
इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारु वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारु वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए।
इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है।
दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों, यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों, इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों, वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उनके रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों, यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों, खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा।
इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था।
तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं।
और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइन टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारु वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है
और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार और वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े,
अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों, यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों, इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों, वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं। और दोस्तों, नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों, यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों, खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है। और दोस्तों, यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी
मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं, और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है, और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें
इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए।
इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है।
दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारु वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारु वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं, और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है, और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है, और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा।
इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है। और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था।
तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं
और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्डमाइन टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्डमाइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्डमाइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्डमाइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड में मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं,
काफी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी
महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारु वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारु वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी
मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें
इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए।
इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस फिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है।
दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिबेली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं, और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है, और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है, और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा।
इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है। और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज़ के ऑफिशियल टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकार वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था।
तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविजन चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो YouTube प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी महर्षि के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 9 मई 2019 को रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी महर्षि। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी पेडिपल्ली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, मीनाक्षी दीक्षित, प्रकाश राज, जगपति बाबू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। दोस्तों इस मूवी का बजट 130 करोड़ का है। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। 130 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 249 करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों यह मूवी को इंडियन सिनेमा की ओर से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कहां पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय पहले ही यह मूवी का OTT प्रीमियर हमें अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी की ओर से खरीद लिए गए थे। गोल्ड माइंस मूवीज कंपनी दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में पूरी तरह से डब करवा लिया गया है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस मूवी को हिंदी भाषा में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें गोल्ड माइंस मूवीज के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल गया था। इस मूवी की डबिंग तो खैर दोस्तों इतनी खास नहीं है कि जितनी फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप महेश बाबू के फैन हो तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का प्रीमियर आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल गोल्ड माइंस मूवीज़ पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्तों वैसे यह मूवी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर और काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर यह मूवी दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफ़ी ग्रोथ वाले फैन हैं
और दोस्तों नॉर्थ इंडियन फैंस उनकी मूवीज का काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। महर्षि मूवी को रिलीज होने में दोस्तों साल 2019 में रिलीज की गई थी, लेकिन दोस्तों साल 2024 में इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट टेलीविजन पर रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा में लाया जाने वाला है। खैर दोस्तों यह मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स भी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के पास है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि हमें सरकारू वारी पाटा साल 2025 के एंड में ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों महर्षि मूवी की बात करें तो यह मूवी को इंडियन सिनेमा में खूब पसंद किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स की तरफ से इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। दोस्तों खैर इस मूवी के अंदर महेश बाबू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली को इस मूवी के लिए एक नेशनल अवार्ड पर दोस्तों यह मूवी को अवार्ड मिला गया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार महर्षि मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको गोल्ड माइंस टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है और दोस्तों यह मूवी भी उन्हीं में से एक है। अगर आपको यह मूवी एंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है और दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। महर्षि मूवी हमें गोल्ड माइंस मूवीज के टेलीविज़न चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी की अपडेट की बात करें तो यूट्यूब प्रीमियर अभी इस मूवी का अवेलेबल नहीं हुआ है और दोस्तों यह मूवी आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी के बारे में, तो आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं जैसा दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी का प्रीमियर हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।